यार आखिरकार मैंने अपना गेमिंग स्टोर खोल ही लिया भाई। ये जगह का सबसे बड़ा गेमर तो मैं ही हूँ और भाई सबको गेमर बना के रहूंगा ये सिटी में, क्योंकि भाई ये सिटी देखो कितनी बड़ी सी सिटी है और मेरे सामने मैकडी भी है। क्या बात है, बाद में जाऊंगा उसमें, पहले तो भाई अपने गेमिंग स्टोर में चलते हैं। यार मैं पूरा गरीब हो चुका हूँ, मतलब जब यहाँ पर कस्टमर आएंगे तब जाके मैं अमीर होऊंगा। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते, अंदर चलते हैं, देखते भाई स्टोर में क्या क्या है मेरे। एक सेकंड भाई, गेमिंग स्टोर तो बहुत बड़ा है लेकिन ये क्या है भाई? यहाँ पर एक मॉनिटर है, क्या बात है भाई, ये भी काफी है। और ये देखो एक चेयर है यहाँ पर, और भाई आरजीबी वाला चेयर है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इसको। पता है यार कोई चेयर में भी आरजीबी होती है, लेकिन ये पिंक कलर का है। खैर कोई बात नहीं, कलर से हमको क्या लेना देना है। और ये रहा भाई हमारा सीपीयू, भाई कितना बढ़िया सा सीपीयू है। और ये मॉनिटर है जो अभी बंद है, क्योंकि यार अभी ऑन करके कोई मतलब नहीं है। मेरे पास में कोई एम्प्लॉय भी नहीं है भाई, एम्प्लॉय भी रखना है मुझे। और यहाँ पर क्या है भाई देखो, और यहाँ पर मैंने दो दो कीबोर्ड खरीदा हूँ और वो भी आरजीबी वाले कीबोर्ड है भाई, क्या बढ़िया लग रहे हैं। और ये देखो माउस भाई, इसमें मेरे पूरे पैसे खत्म हो गए, क्योंकि भाई सब कुछ यहाँ पर बहुत महंगा है। और ये एक मॉनिटर है, और ये एक मॉनिटर है। अब यार स्टोर बहुत ज्यादा खाली है मेरा, क्योंकि यार आसपास मेरा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। और ये रहा एक और सीपीयू, और ये कुछ और सामान है मेरे पास, जैसे कि हेडफोन और आरजीबी वाला माउस पैड। क्या बात है भाई, बहुत ज्यादा अमीर हो चुका हूँ मैं। यार अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया, लेकिन क्योंकि यार नया नया दुकान खोला हूँ ना मैंने, लोगों को पता नहीं अभी मेरे बारे में। तो अभी ऊपर चलते हैं। और ये देखो भाई कुछ चेयर्स रहे मेरे, वो भी यार नियॉन लाइट वाले चेयर है। अब ऐसे मैंने रखा हूँ क्योंकि ये नए नए चेयर है, तो इनको घुमाकर रखना पड़ेगा मुझे, तो इनको ऐसे रख देता हूँ मैं। और बहुत सारे चेयर है तो मेरा एम्प्लॉय काम करेगा। और भाई पूरी दुकान मेरी पूरी खाली है, जब तक कोई कस्टमर नहीं आता ना यार मैं कुछ सामान लगा नहीं पाऊंगा और गरीब का गरीब रह जाऊंगा। तो एक काम करते भाई, कुछ कस्टमर को लेके आते मैकडी से। तो ये रहे भाई मेरी दुकान, और मेरी दुकान के ठीक आगे मैकडी है, मतलब यार देखो कितना ज्यादा अमीरी है यहाँ पर। तो चलता हूँ, और बहुत लोग आ सकते हैं तो मैकडी में किसी से बात करके देखता हूँ। और यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, एक काम करता हूँ ये अंकल से बात करता हूँ। तो यार मुझे अभी मालूम चला है कि यहाँ पर एक और गेमिंग स्टोर है जो मुझसे भी खतरनाक है, और भाई वो लोग कुछ ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यार उनके पास में बहुत सस्ता सामान मिलता है और बहुत ज्यादा अच्छे सामान भी मिलते हैं। और मुझे जाके देखना होगा भाई कौन चलाता है वो गेमिंग स्टोर को। एक काम करता हूँ जाके उनसे दोस्ती कर लेता हूँ, और मेरा भी थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, बाद में तो उनको हरा दूंगा मैं, कॉम्पिटिशन से बाहर कर दूंगा। अभी के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो इनको मैंने अपने स्टोर पे बुलाया सामने वाले, और मैं यहाँ से निकलता हूँ। कोई आने को रेडी भी नहीं है भाई, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, मैं इतने महंगे में सामान बेच रहा हूँ और वो लोग इतने सस्ते में। तो वो वाला स्टोर है शायद, मुझे आगे जाना होगा। तो भाई वो कोई तो आ रहा है, एक मिनट, वो जाने पहचान लोग लग रहे हैं मुझे। एक काम करता हूँ पास जाता हूँ भाई, किसकी दुकान है? और वो रही भाई गेमिंग स्टोर में गया है वो लोग। तो यार ये तो राहुल और फ्लिक है भाई, कहीं इनकी दुकान तो नहीं है ना? भाई इनकी दुकान रही तो यार मुझे आने देंगे ये लोग। तो एक काम करता हूँ थोड़ा कस्टमर बन के जाता हूँ। भाई इन लोगों ने तो दो दो बॉडी गार्ड भी रखे, और यहाँ पर कुछ गाड़ियां भी है, मिनी बस है इनके पास खुद, मतलब भाई कुछ ज्यादा अमीर हो चुके हैं। और ये बॉडी गार्ड जो बात नहीं करना चाहते, भाई खतरनाक बॉडी गार्ड रखे इन लोगों ने। यार इनका शॉप देखो कितना बढ़िया सा शॉप है भाई, और एक मिनट इतने सारे कस्टमर, और ये सब प्रोडक्ट क्या है भाई? ये तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर माइक है भाई, इतने प्यारे प्यारे लैपटॉप, ये रहा राहुल। अरे भाई ये तो बैठा हुआ है। अरे यार डैश तू कब आया यार? और भाई देख हम लोग की इतनी ज्यादा खतरनाक गेमिंग शॉप है। अरे कौन भाई, ये गरीब आदमी कहाँ से आया भाई? तू भी कुछ लेने आया क्या हमारी दुकान में? लेकिन यहाँ पे हर चीज भाई बहुत ज्यादा महंगी है, तेरे से नहीं होगा यार। फिर से नहीं होगा, अबे तुझे खरीद लूंगा मैं। लेकिन ये दुकान किसकी है ये बताओ? मेयर का भाई? ओ भाई एक मिनट, मेयर का भाई तो नहीं चला रहा दुकान? नहीं नहीं, इसको तो भाई अभी नौकरी पे रखा है हमने भाई। ये शॉप हम दोनों की यार। भाई इतनी तरक्की कैसे कर ली तुमने भाई? बहुत ज्यादा मेहनत किया हमने। राहुल भाई इससे पहले एक घर में चोरी करी थी, उसी से हमने ये वाली भाई पूरी बिल्डिंग बना दी है। ओ भाई ऐसे ऐसे काम चालू है तुम्हारे, बताओ। भाई चोरी कर करके काम चल रहा है तुम्हारा भाई? लेकिन यार तुम्हारे पास में क्या क्या है भाई? लैपटॉप और ये मॉनिटर माइनक्राफ्ट चालू है। ऊपर से कहां से जा रहा है तू भाई? बाजू से? ये कौन सी तरीका हुआ? अरे ठीक है क्या कर रहा है भाई? ओ भाई ये पांडा का चेयर देखो कितना प्यारा चेयर है भाई, कितने का है ये? ये भाई 40 लाख का मिल जाएगा तुझे बस नॉर्मली। 40 लाख? अरे बैठ मत बैठ मत भाई, बैठने के 200 रुपए। अरे भाई भाई बताओ यार। अरे यार भाई कुछ अगर तेरे को लेना है तो ले भाई, यहाँ पे फालतू हम लोग का टाइम वेस्ट मत कर भाई, बहुत सारे कस्टमर है यार यहाँ पे। ठीक है भाई मैं ले रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो खरीद लूंगा भाई, थोड़ा बहुत पैसा नहीं है मेरे पास, पर क्या ही करूँ। यहाँ पर क्या है? कीबोर्ड आरजीबी भाई, सब कुछ आरजीबी है तुम्हारे पास? अरे चेयर देखो भाई कितने प्यारे चेयर, और इसको देखो भाई तो ग्लो कर रहा है भाई, आरजीबी वाला चेयर फर्स्ट टाइम देखो मैंने। अरे भाई टॉप क्वालिटी का है यहाँ पे सब भाई, ट्रिपल मॉनिटर सेटअप है यहाँ पर भाई, ये तो मेरे पास खुद नहीं है, खतरनाक है। अरे यार एक मिनट रुक भाई, तू बातचीत किससे कर रहा है? बॉडीगार्ड टू बोला भाई ये टाइम पास करने आए इधर, इसको बाहर फेंको भाई, बाहर फेंको रुक जा भाई, यहाँ से भाई जा रहा हूँ मैं, ठीक है? और तुम्हारी दुकान को आग लगा दूंगा अगर तुम लोग फालतू में ये मेरा कॉम्पिटिशन बनोगे तो। तू तो गरीब आदमी है भाई, देखना एक दिन तुम लोग कंगाल हो जाओगे, तुम्हारी दुकान में सारा सामान खत्म हो जाएगा देखना। क्योंकि यार मैंने भी दुकान खोला हो एक खतरनाक वाली गेमिंग शॉप, और तुम्हारा तो दुकान भी बहुत छोटा सा है, मेरा तो दुकान बहुत बड़ा है, बस मेरे पास में सामान नहीं है। कुछ दिन रुक जाओ बस। तो भाई मैं तो ऐसे जा रहा हूँ भाई, इन लोगों ने पूरा दिमाग खराब कर दिया, और मेरा कॉम्पिटिशन भाई बहुत खतरनाक है अब मुझे मालूम चला है। तो यार जल्दी से मैं जाता हूँ अपनी गेमिंग शॉप में, और मैकडी से कुछ बंदों को लेके आता हूँ भाई। इससे कुछ नहीं होने वाला भाई, हमारे पास तो मर्सिडीज की वैन भी है। तो यार एक काम करता हूँ मैकडी से कोई बंदा लेके आता हूँ, क्योंकि यार मुझे भी तो दुकान चलाना है ना। अरे ये कौन है भाई? एक सेकंड, ये तो मैकडी में जा रहा है लगता है, ये मुझे गेमर जैसा कोई दिख रहा है, देखता हूँ ये मेरी कुछ मदद कर सकता है क्या, तो उससे बात करता हूँ मैं। अरे भाई ब्लू टी शर्ट, यार क्या आप मेरे गेमिंग शॉप में आना चाहते हो? कि मैंने अभी अभी गेमिंग शॉप खोला और भाई बहुत ज्यादा प्यारा गेमिंग शॉप है मेरा। ओ भाई ये तो हाँ हाँ बोल रहा है, मतलब यार ये मेरी बात मान चुका है, और यार मेरा पहला कस्टमर मिल चुका है, तो यार मेरे पीछे आ जाओ। ओ भाई इसके तो डायमंड भी बहुत सारे लगता है भाई, ये माला माल कर देगा मुझे। चलो यार इसको अपने पीछे लाता हूँ, और इसकी बाइक भी देखो यार, ये तो अमीर दिख रहा है मुझे। तो यार भाई ये रही मेरी दुकान, आ जाओ मेरी दुकान में। तो भाई पहले कस्टमर को यार मैं देखने देता हूँ क्या चाहिए इसको। भाई मुझे लगता है इसको बहुत सारा सामान पसंद आ रहा है, देखते भाई क्या पसंद आता है। भाई वो वाला मॉनिटर भी अच्छा है, थोड़ा बहुत आरजीबी है उसमें से, नकली आरजीबी। ओ ये सीपीयू लगता है पसंद आया इसको। अरे नहीं बोल
रहे हैं भाई, कुछ तो फेंका है इसने। एक मिनट देखते भाई बुक में क्या लिखा हुआ है। मुझे RGB वाला PC चाहिए, ये तो टट्टी है। अरे भाई ये क्या बात हुई, रुक जाओ इसको वापस देता। अरे भाई RGB नहीं, नॉर्मल PC भी अच्छा होता है। एक और बुक फेंका इसने। बाजू में एक OP गेमिंग शॉप है, वहां जा रहा हूं। अरे भाई ये दुकान भी अच्छी है यार, तुमको क्या चाहिए बताओ। अरे भाई तो बात ही नहीं सुन रहा है मेरी यार, लगता है ये भी कस्टमर हाथ से निकल गया मेरे यार, ये क्या बात हुई। ये भी जा रहा है बताओ। देखते कहां जाता है, बाजू में गेमिंग शॉप है मतलब कहां जाएगा। अरे डायमंड फेंके गया मेरे पास से यार, एक डायमंड देके गया मुझे भाई, मुझे गरीब समझ रहा है वो यार। मुझे लगता है ऐसे कस्टमर चाहिए मुझे, लेकिन भाई इनके लिए मुझे अच्छी चीजें भी लाना पड़ेगा। मेरे गेमिंग शॉप में कुछ भी नहीं है, और वो पक्का गया होगा उनके गेमिंग शॉप में। वो भाई वो रही उसकी बाइक यार, मुझे शक था और शक सही निकला मेरा। वो भाई राहुल और फ्लिक की गेमिंग शॉप में गया, और मुझे पक्का यकीन है भाई वो मेयर का गेमिंग शॉप है भाई, इन तीनों का शेयर है उस शॉप में। तो भाई देखते क्या खरीदता है वहां पर। भाई काम करता हूं अंदर से देखता हूं यार, ये बॉडीगार्ड देख नहीं रहा है मुझे। एक मिनट भाई, वो रहा वो कस्टमर, और बाकी कस्टमर तो इधर है भाई बहुत समय से, लगता है कुछ ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। भाई ये देखो यार, ये अमीर आदमी को ये देखो पैसा फेंक रहा है इधर उधर, मतलब भाई इसने यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉपिंग किया है। अरे भाई इसके हाथ में कुछ है भी। अरे यार मुझे लगता है यार इसने पूरी शॉपिंग कर लिया, ट्रिपल मॉनिटर सेटअप है उसके हाथ में भाई, इसने अच्छी से शॉपिंग कर लिया यहाँ पर, इसलिए लगता मैं गरीब हो रहा हूँ यार। मुझे कहीं ना कहीं से अच्छे पार्ट्स लाने पड़ेंगे, लेकिन यार मेरे पास कोई कस्टमर ही तो नहीं है ना, नहीं तो मैं कब का अमीर हो गया रहता यार। लगता है कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा मुझे अब यार। अब मैंने सोच लिया हो कि इनकी दुकान में अब मुझे चोरी करना पड़ेगा, कि भाई चोरी तो कोई भी कर सकता है ना, और मैंने पूरा प्लान भी बना लिया हो। तो एक काम करना है मुझे, दो एकदम दरिंदे चोरों को भाई पकड़ना है मुझे, हायर करना है उनको, और उनके बदले में उसको बहुत सारे पैसे दूंगा। लेकिन पहले यार वो चोर कहां पर मिलेंगे मुझे एड्रेस तो मालूम चला है, लेकिन मुझे ये मालूम चला कि घने जंगलों के बीच में रहते हैं वो लोग। ये जो जंगल दिख रहा है ना आपको, इसके बीचों बीच में कहीं पर रहते हैं, तो उनका घर ढूंढने मुझे कुछ ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं पहले जंगलों के बीच में चलते हैं। यार मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं है, और भाई पूरे दरिंदे चोर है वो लोग, तो उनको यार थोड़ा बच के रहना पड़ेगा मुझे, कहीं मुझे ना लूट ले। वैसे मैं खुद बहुत ज्यादा गरीब हूँ, उनको बहुत खतरनाक लालच देना पड़ेगा। तो भाई चलते हैं जंगल के अंदर, और ये पेड़ देखो भाई कितने घने पेड़ है, तो देखते हैं भाई कितना अंदर मिलेंगे वो लोग। यार मेरे ख्याल से वो आसपास ही होने चाहिए, ज्यादा जंगल के अंदर तो कौन रहता है वैसे भी। यार पूरे जंगलों के बीच में हुए, और आखिरकार मुझे घर मिल चुका है उनका, मतलब घर नहीं है भाई, कोई झोपड़ी में रहते हैं, कि भाई पूरी पुलिस वगैरह उनके पीछे पड़े हुए। वैसे मुझे ऐसे बंदे हायर करने अगर पकड़े भी गए तो यार मुंह ना खोले वो लोग, तो भाई वो रहा उनका घर, लेकिन वो लोग मुझे नहीं जानते। देखो भाई अभी अभी वो लोग अपना सीक्रेट हाउस बनाए रहे, तो भाई चलता हूं मैं उनसे बात करता हूं, भाई मेरे ऊपर अटैक ना कर दे लोग। भाई ये देखो पूरा चोर जैसा कौन है ये। अरे भाई हेलो नमस्ते भाई। अरे भाई ये तो पागल हो गया। अरे भाई तुम्हारे लिए एक अच्छा सा डील है मेरे पास, मैंने सुना तुम लोग दो चोर हो। भाई ये मान गया मेरी बात, तो भाई अपने दोस्त को बुला लो, चलो यार मैं भी इसके साथ चलता हूं, ये मुझे बोल रहा है नीचे आने के लिए, तभी हमारी डील हो पाएगी। तो देखते हैं भाई क्या है इसके पास। अच्छा भाई इधर तो पूरा सेटअप लगा हुआ है, ठीक है भाई ये लगता हैड है उनका, और नीला वाला भी खतरनाक दिख रहा है मुझे, तो मैं भी बैठ जाता हूं इनके साथ में। ठीक है भाई देखते क्या डील है। तो यार पूरी बात सुन लिया मैंने इनकी, और इनको कुछ ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन यार मैंने इनको कहा है कि अगर वो लोगों ने पूरा दुकान खाली कर दिए ना तो ये मुझे पूरे पैसे मिलेंगे, तो मैंने इनकी पूरी बात मान लिया हो। तो ठीक है भाई इनका काम कर लेते हैं, और मुझे इनको दुकान दिखानी पड़ेगी और रात तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो यार हमें ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, और जल्दी से यहां से निकलना चाहिए, क्योंकि यार मेरे पास टाइम नहीं है, पूरे कस्टमर गायब हो जाएंगे हमारे। तो देखता हूं भाई एडवांस, भाई एडवांस में क्या दूं इनको। तो आ जाओ भाई मेरे दुकान में, तुमको गेमिंग मॉनिटर देता हूं मैं। भाई एक को गेमिंग मॉनिटर चाहिए, चलो चलो मेरे पीछे आ जाओ। भाई ये लोग मेरे पीछे आ रहे, चलो इनको मॉनिटर देता हूं सस्ता वाला, पता नहीं पागल हो क्या मालूम चलेगा। तो जल्दी से इनको मॉनिटर देता हूं, और चलते भाई उनकी दुकान में चोरी करने के लिए। मैं तो कुछ नहीं करने वाला हूं भाई, ये लोग करेंगे सब। तो इन दोनों को मैंने अपनी दुकान दिखा दिया, मुझे पता बहुत ज्यादा रिस्की काम है, बट कुछ नहीं कर सकते। तो यार इनको एडवांस में दे देता हूं ये मॉनिटर, भाई बहुत महंगा मॉनिटर है भाई, ऐसे तुमको 1000 सामान मिल जाएंगे उधर, बस यार मेरा काम कर दो। तो भाई ये लोग मान गए मेरी बात, क्या बात है, तो मेरा पूरा काम हो जाएगा। तो भाई चलते हैं उनको दुकान दिखा देता हूं मैं। तो भाई मेरे पीछे पीछे, और छुप के आना भाई, तुमको देख के कोई मुजरिम बोलेगा, और भाई मुझे भी कोई चोर ना समझ ले। तो भाई ये रहे वो दो बॉडीगार्ड, ये दोनों बहुत खतरनाक है भाई, किसी की बात सुनते नहीं है। इनके जाने का वेट करना है हमें, क्योंकि इनको मार नहीं सकते हम लोग, उनके पास बंदूक होगा। तो जैसे ये लोग जाएंगे यहां से तो हम लोग अटैक कर देंगे उनके ऊपर। तो वेट करना है भाई, कब ये लोग चाय नाश्ता करने जाते हैं। यार ये लोग सोते भी नहीं है भाई, कितने खतरनाक है। वो भाई देख लिया उसने, थोड़ा दूर रहना पड़ेगा मुझे, और मैं थोड़ा छुप के रहता हूँ, और रात होने का वेट करते हैं। तो यार अभी रात भी हो चुकी है, तो क्या ये सही समय है? तो हाँ भाई ये बोल रहा है सही समय है, लेकिन उनके जाने का वेट करना पड़ेगा हमें। तो एक काम करते भाई, उनके जाने का वेट करते, और कब जाते हैं वो लोग देखते हैं। ओ भाई एक बॉडीगार्ड तो जा रहा है, लगता है इसके जाने का समय हो चुका है, लेकिन दूसरा बॉडीगार्ड बचा हुआ है। यार ये चोरों को बता देता हूं मैं कि ये निकल चुका है, और इसके बाद दूसरा भी निकलता ही होगा भाई। क्या बात है, ये वाला बॉडीगार्ड भी जा रहा है भाई, लगता है इसका भी समय आ चुका है। तो अब हमारा समय भाई चोरी करने का। ये वाला बॉडीगार्ड तो पूरा का पूरा निकल चुका है भाई, अपने पता नहीं कहां गया है, हल्का होने गया है या खाना खाने गया है, पता नहीं, ये आएगा आधे घंटे बाद। तो यार अब तुम्हारे ऊपर सब कुछ है भाई, तुम लोगों को चोरी करना है और पूरा दुकान खाली कर देना भाई, यहाँ तक कि टेबल भी नहीं छोड़ना। तो सब कुछ खाली करके यार मेरे गोडाउन में छोड़ देना सब कुछ। तो ठीक है भाई, चलो भाई तुम लोग आगे जाओ, मैं नहीं फंसना चाहता हूँ। वैसे भी ये लोग भाई पूरे मुजरिम है, तो ये तो फंस ही जाएंगे। तो यार मैं सोच रहा हूँ मैं एक्टिंग करता हूँ यहाँ से निकलने की, और थोड़ा हिसाब से देखता हूँ भाई, मेरे ऊपर शक नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ, क्योंकि कैमरा तो होगा इनकी दुकान में। तो लगता है ये लोग पूरा खाली कर चुके अभी तक। यार लगता है ये चोर अपना अच्छे से काम कर रहे होंगे, तो यार ये लोग सारा का सारा सामान चोर रहे हैं भाई। ट्रिपल मॉनिटर गेमिंग सेटअप तो पक्का तोड़ना है इनको। तो यार मुझे लगता है बहुत ज्यादा समय हो चुका है, अभी तक क्या कर रहे हैं मुझे ढंग से पता भी नहीं है भाई। टेबल भी चोरने के लिए कहा था मैंने इनको, तो यार मुझे लगता है ये लोग टेबल भी चोर के आ जाएंगे भाई। पूरी दुकान खाली करनी है यार, ये लोग नियॉन लाइट भी तोड़ रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं, ये भाई पूरा गरीब कर देंगे उसको। तो मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए। तो यार मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ भाई, मेरे ऊपर शक बैठ जाएगा, वैसे मैं दुकान के अंदर गया नहीं हूँ। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ, और उनको मैंने पीछे के रास्ते से आने के लिए कहा था, तो मैं अपने दुकान में जाकर चुपचाप बैठ जाता हूँ भाई। ये लोग तो नियॉन लाइट को भी नहीं छोड़ रहे, तो बाकी सब तो ठीक है यार, मैं अपने दुकान में जाकर चुपचाप बैठ जाता हूँ। यार वो लोग आते ही होंगे, कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे वो लोग, जल्दी से उनको बुला लेता हूँ मैं। यार एक सेकंड आ गए दोनों के दोनों, क्या बात है भाई, क्या क्या इनके हाथ में। तो भाई
ऐसे तो बहुत सारे सामान चोर लिए इन लोगों ने भाई, बहुत ज्यादा अमीर होने वाले हम लोग। यार क्या बात है, गेमिंग ट्रिपल मॉनिटर सेटअप देखो यार, इसमें तो माइनक्राफ्ट खेल सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हेडफोन भी, नियॉन लाइट भी है, सब कुछ है। तो यार ये लोग मुझे बोल रहे हैं ये लोग अपने गोडाउन में सब सामान रखेंगे, तो ठीक है भाई इनके गोडाउन में रखने देता हूँ, क्योंकि यार मेरे पास रखूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि आसपास मैं ही हूं ना एक जो एक और गेमिंग शॉप चलाता हूं, तो सीबीआई पकड़ के मुझे ले जाएगी। कल सुबह मैं इनके घर में जाऊंगा और घर से इनका पूरा सामान निकाल लूंगा, और एडवांस भी तुम्हें दे दिया हूं मैंने, और बाकी का पेमेंट भी कर दूंगा भाई। चलो तुम लोग जाओ, कोई देख लेगा नहीं तो। चलो भाई ये लोग भी जा रहे हैं, मैकडी वैकडी से भी किसी ने नहीं देखा, तो मैं देख लेता हूं एक बार कोई है तो नहीं ना। हाँ भाई कोई भी नहीं है उधर, राहुल और फ्लिक भी सोने गए होंगे, और बॉडी गार्ड जब तक आएंगे भाई तब तक तो चोरी हो चुकी है, तो भाई बॉडी गार्ड भी फंसेंगे उसमें। तो चलो भाई सुबह भी हो चुकी है, और जल्दी जाता भाई उनकी दुकान में, क्योंकि मुझे बहुत सारी आर्मी गाड़ियां दिखी थी भाई। पुलिस कोई नहीं दिखा भाई, मुझे लगता है आर्मी आई है उधर भाई, मुझे व्यायाम हुआ है शायद, देखता हूँ पहले जाके दुकान में उनके। और ये रहा भाई उनका लुटा हुआ दुकान भाई, जाके सीधा एक्टिंग करना चालू करना पड़ेगा। और एक मिनट भाई, वहां पर तो आर्मी और पुलिस वाले हैं पूरे, और मेयर का भाई भी है इधर, पता नहीं मेयर का भाई क्या कर रहा है, और राहुल और फ्लिक भी है। अरे भाई क्या हुआ यार, यहाँ पर दुकान क्यों खाली है तुम्हारी? अरे तू कहाँ से आया भाई? मुझे लगता है इसी ने चोरी किया होगा भाई, यही पिछले बार हमको कुछ तो बोल के गया था। भाई फालतू बातें मत कर, मैं तुम लोगों से अमीर हूँ समझा। अरे यार तुम लोग फालतू बातें मत करो भाई, हम लोग तो यहाँ पे पूरा बर्बाद हो गया यार। फ्लिक क्या करेंगे भाई देखना, मेयर उल्टा मारेगा यार, कुछ दिखी तो नहीं रहा यहाँ पे। अरे भाई मेयर उल्टा मारेगा भाई हम लोग को भाई, पूरा सामान कौन कर लिया चोरी? ये साइन भी बना के गए भाई, यार कौन से चोर थे यार ये लोग? मैं मुझे कहा था कौन से चोर थे यार, मुझे अभी भी खबर मिली थी इसलिए मैं यहाँ पर आया था। और यहाँ पर देखो भाई मेयर का भाई सबसे बातें कर रहा है भाई, मेयर का भाई तो पागल हो चुका है, उसकी आंखें खराब हो गई पूरी भाई, लगता है कुछ ज्यादा नुकसान हो चुका है उसका। और तुम लोग कह रहे थे तुम्हारी दुकान है, लेकिन तुम भी गरीब हो चुके हो यार, मेरे लिए काम करना चालू कर दो भाई, कुछ कुछ पैसे कमा लोगे तुम लोग। नहीं नहीं भाई मैं तेरे लिए काम नहीं करूंगा, मैं दिल से अमीर हूँ अभी भी। अरे यार भाई तू बस कुछ दिन रुक जा यार, ये देख हमने इन लोगों को पूरा कंप्लेंट कर दिया है, और बस वो चोर कुछ टाइम भाई जेल में होंगे, और हम लोग का सामान पूरा यहाँ पे होगा देखना शॉप में। भाई वो सीधा भगवान के पास भेजूंगा भाई, एक बार मिल जाते बस भाई। वो चोर लोग कैसे भगवान के पास जाएंगे, नर्क में जाएंगे वो लोग। और यहाँ पर तुम लोगों ने पूरी आर्मी और बॉडीगार्ड लगा दी अपने भाई, आर्मी तो खतरनाक दिख रही है मुझे, लगता है भाई चोर तो गए काम से। अरे भाई तू भाग जाना यहाँ से, अब ऐसे भी यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, तू क्या टाइम पास कर रहा है, तू तो जा यहाँ से। भाई मैं अपनी दुकान में जा रहा हूँ यार, तुम लोग क्या मतलब, और मैं नए नए प्रोडक्ट खरीदा हूँ, तुमको चाहिए तो ले लो भाई, भाई डबल दाम में बिकेगा। चलो भाई मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से, ये लोग गरीब हो चुके हैं। और यार वो जो चोर है ना वो जंगलों के बीच में कहीं पर है, तो मुझे भी जाना पड़ेगा उधर, और मैं भी जाता हूँ जल्दी से, और यार जल्दी से अपना प्रोडक्ट लेके आता हूँ उनके पास से भाई, वो लोग रुके होंगे मेरे लिए। यार फ्लिक यार मैंने कुछ देखा यार अभी, क्या देख लिया तूने ऐसा? अरे भाई मैंने अभी देखा कि जो डैश है ना वो उस साइड में भाग रहा था भाई, जंगल में जहाँ पे रहते बहुत सारे चोर। जंगल में भाग रहा है भाई? डैश को क्या होगा, जंगल में क्यों भागेगा वो? अरे यार फ्लिक चल यार भाई, क्या कर रहे तू इतना टाइम पास? टाइम पास क्या कर रहा हूँ, मैं तो तेरे पीछे ही हूँ, जल्दी आ। और वो आजा, आजा, आजा भाई देख मुझे यहाँ पे मिल चुका है जंगल। यार आखिरकार मुझे मिल चुका है उनका ये गरीब सा झोपड़ा भाई, क्या है पता नहीं ऐसे में क्यों रहते हैं। तो चल रहा भाई जल्दी से अंदर, लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रहा है, लगता है भाई अंदर छुपे हुए होंगे वो लोग, क्योंकि इनके पीछे भी तो पुलिस पड़ी हुई है ना भाई, पुलिस छोड़ो आर्मी पड़ी हुई है पूरी। तो जाता हूँ मैं सीधा और देखते भाई कहाँ पर गए। एक मिनट कोई है क्यों नहीं यहाँ पर, एक काम करता भाई इनके टेबल में बैठ जाता हूँ, आते होंगे वो लोग, और पता नहीं कौन से बंकर में पूरा सामान रखे है। यार बहुत समय से इधर बैठा हुआ, आधा घंटा हो गया पूरा, वो लोग आए नहीं भाई, यही समय दिए थे मुझे, उल्टा मैं लेट आया हूँ भाई, उनको आ जाना चाहिए था अभी तक के। यार मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और एक मिनट ये क्या देखा मैंने, इसके पहले तो था नहीं है यार, मुझे लगता है यही से तो कहीं गए नहीं है वो लोग, नीचे होंगे भाई माइंड कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे दिख नहीं रहे वो लोग। और एक बार चेस्ट चेक कर ले तो चेस्ट में कुछ है तो नहीं, ये क्या सड़ा सा सामान रखा हुआ है चेस्ट में पूरा भाई, चेस्ट में कुछ भी नहीं है भाई, नीचे चलता हूँ क्योंकि नीचे से आवाजें भी आ रही थी मुझे। यार चलो यार आखिरकार नीचे पहुंच गया, पता नहीं कौन सा बंकर है भाई, पाताल लोक में बंकर खोले गए इन लोगों ने। खैर यहाँ पर कुछ हो सकता है, यहाँ पर यार सामान होगा मेरा। चलो अरे यहाँ पर तो डर्ट है, एक सेकंड भाई ये क्या है, इतना अनगिनत है ये तो। भाई चलता हूँ इधर भाई, लगता है ये लोग इधर होंगे यार, और मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार, ऐसा तो नहीं वो लोग पूरा सामान लेके भाग गए मेरा, क्योंकि चोर तो पहले से थे वो लोग। यार पिछले 15 मिनट से चले जा रहा हूँ मैं, और ये बंकर खत्म ही नहीं हुआ है यार, मुझे लगता है यार गड़बड़ कर दिया मैंने यार, ये चोरों पे भरोसा नहीं करना चाहिए था मुझे। और यहाँ पर देखो आगे डेड एंड दिख रहा है मुझे, मतलब कि भाई वो लोग चोरी करके कहीं और बंकर बना के भाग चुके, अब मैं किधर खोदूं मुझे समझ भी नहीं आ रहा भाई, मैंने गड़बड़ कर लिया बहुत गंदी वाली। अब ये राहुल और फ्लिक तो पागल होने वाला अगर उनको मालूम चला तो। और भाई अभी जाऊँ किधर मैं, यहाँ पर खोदूंगा फिर भी डर्ट है, यहाँ पर खोदूंगा भाई यहाँ पर भी डर्ट है भाई, उन लोगों ने पागल बना दिया मुझे। ये सिटी बहुत ज्यादा बड़ी है, यहाँ पर कहीं पर भी अपना शॉप खोल सकते हैं वो लोग, और ब्लैक में अपना सामान बेच सकते हैं भाई। मेरा नुकसान तो नहीं हुआ भाई, पर फायदा भी तो नहीं हुआ मेरा। यार एक काम करता चुपके से यहाँ से निकलता हूँ, नहीं तो आर्मी इधर आ गई ना तो यार सीधा बॉम्ब से उड़ा देंगे वो लोग मुझे, तो यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। और ये बंकर इतना बड़ा है, यहाँ से निकलते निकलते 15 मिनट लग जाएंगे मुझे। अरे यार भाई फ्लिक देख सामने में भाई, ये कोई तो घर है यार जंगल के बीचों बीच। अरे भाई वही डाकू वाली जगह है जहाँ पे वो लोग रहते थे, मैंने बताया था ना तुझे। अच्छा चल भाई और रुक जा, यहाँ पे इसका नाम भी लिखा है देख। अरे भाई ये कैसा नाम है, चड्डी चोर भाई, ये भाई चड्डी चोर आते हैं ये लोग। अरे भाई तू अंदर आ जल्दी, और देख भाई यहाँ पे खुफिया रास्ता भी अंदर जाने का। अरे भाई देख हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, और भाई ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारे चेस्ट है और यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है, और यार ये तो लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। रुक रुक ये बंकर क्यों खुला है, एक मिनट कोई नीचे क्या लगता। अरे भाई हो सकता है कि डैश शायद इधर ही आया हो। अरे तो एक काम करते हैं ना हम लोग रुकते हैं यहीं पे, रुक जा भाई उसको आने दे यहाँ पे, उसकी पूरे औजार निकाल के रख भाई, पूरे औजार निकाल मुझे भी दे अभी, आन दो भाई इसको, देखते कौन निकलता है यहाँ से। यार चलो भाई चुपके से यहाँ से निकलता हूँ मैं भाई, कोई ना कोई आ जाएगा यार मुझे पता है, पर यार मैं जल्दी आ चुका हूँ तो लगता है कोई आया नहीं है अभी तक के, तो जल्दी से निकलता हूँ, क्योंकि किसी को कैसे मालूम रहेगा भाई जंगल के बीच में कौन करने के आएगा। तो यहाँ से निकलता हूँ और उन दोनों को ढूंढता हूँ भाई, वैसे वो दोनों मिलने से रहे मुझे, चुपचाप अपनी दुकान संभालता हूँ मैं।
एक मिनट, अरे भाई ये क्या, अरे भाई एक मिनट, अरे भाई डैश आ गया। अबे रुक जा भाई, मुझे पता था भाई। अरे यार मेरा शक भाई सही निकला भाई, यहाँ से डैश ही निकला, यानी कि भाई इसने करवाया था चोरी। भाई कौन सी चोरी भाई, मैंने किया था। लेकिन भाई तूने हमारे पूरे मॉनिटर सब चुरा के ले गए, तूने नीचे रखा है ना उसको। अरे नहीं भाई, मैं जाके देख लो भाई नीचे, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया था। एक्चुअली में क्या हुआ था भाई, सच बताओ तुमको। अरे यार फ्ली के फालतू की बातें करेगा भाई, एक काम कर आर्मी वालों को कॉल कर। अरे मेरी कहानी भी सुन लो भाई, मैं बता दो तुमको, सीसीटीवी कैमरा भी चेक कर लेना भाई, मेरे स्टोर का कैमरा चेक कर लेना। वैसे कैमरा कुछ है नहीं, तुमको मेरी बातें सुननी पड़ेगी भाई। क्या करना है भाई, भाई मैं तो बोलता आर्मी वाले को बुलाते हैं भाई, टैंक मार दे इसके दुकान में। या तो रुके, काम करते एक बार इसकी बात सुन लेते, और अगर ये ठीक बात कर रहा होगा तो फिर हम लोग इसकी बात मान। ठीक है ठीक है, बोल चल, एक आखिरी मौका देता हूँ तुझे भाई। एक्चुअली में क्या हुआ था ना, मैं रात को अपनी दुकान में काम कर रहा था, तुमको तो पता है यार बहुत ज्यादा काम करता हूँ मैं, नई नई दुकान खोला हूँ मैंने। तो उसके बाद क्या हुआ था ना, मेरे दुकान के सामने दो चोर भागे थे, वो चड्डी चोर गैंग के मेंबर है, मतलब मेन हेड है वो लोग, एकदम खतरनाक चोर है। तो मैं उनका पीछा करते हुए जंगल के घर के बीच में आया था, तब तक मुझे मालूम नहीं था तुम्हारी दुकान में चोरी हुआ है। लेकिन जब सुबह मैं उठा तो मैकडी की दुकान से कोई बंदा निकला और तुम्हारे बारे में बताया उसने, तब जाके भाई मुझे मालूम चला यहाँ पर वो आए होंगे। तो रिवॉर्ड के लिए भाई मैं उनके पीछे आया था, और कोई बात नहीं है भाई। हम लोग कर क्या सकते हैं तेरी बात सुनकर, ये भाई सही बता रहा हूँ मैं, और क्या विश्वास करना पड़ेगा तुमको। यार मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ, अगर तुम लोग बोलो ना यार तो उनका पता कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यार मुझे पता है उनका एक और ठिकाना है, उनका एक वेयर हाउस है। अरे यार तो भाई चल यार वहाँ पे, और यार फ्लिक देख, हम लोग के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं यार। तो ठीक है डैश की बात सुनते, चल यार हमको लेके चल उनके अड्डे पर। तो आजा भाई मेरे पीछे आ जाओ तुम लोग। तो यार इनको अभी के लिए मैं तो कन्विंस कर लिया हूँ, और इनको लेके चलता हूँ वेयर हाउस में। पता नहीं भाई वेयर हाउस कहाँ पर है, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। तो यार अभी तक आपको वीडियो कैसा लगा बताना मुझे, और नेक्स्ट पार्ट आपको देखना है तो यार कमेंट कर देना जल्दी से।